हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। एचएससी ट्वेल्थ एग्ज़ाम पास होने के बाद जिन स्टूडेंट्स ने नीट एग्ज़ाम दिया है वो कौन कौन से कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहला कोर्स हम देखेंगे एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। दूसरा जो कोर्स है बैचलर इन डेंटल सर्जरी। ये दो कोर्सेस बहुत हाई रैंक वाले कोर्स है, सभी का ख्वाब होता है, ड्रीम होता है कि इस कोर्स में हमारा करियर बन जाए। इसके लिए नीट के एग्ज़ाम में हाई स्कोर लाना ज़रूरी है। नीट एस्पिरेंट्स सबसे पहला प्रेफरेंस एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को देते हैं, इसी तरह से प्राइवेट और डीम यूनिवर्सिटी के कॉलेज को देते हैं। अब हम देखेंगे इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। ट्वेल्थ एचएससी का एग्ज़ाम साइंस स्ट्रीम से होना, जिसमें पीसीबी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। नीट का एलिजिबल स्कोर होना चाहिए 50% से कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह से इसका जो ड्यूरेशन है वो 4.5 ईयर्स है, प्लस में 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। थर्ड जो कोर्स है बीएएमएस और फोर्थ है बीएचएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इस कोर्स को आफ्टर एमबीबीएस के प्रेफरेंस देते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए 12वीं साइंस होना चाहिए, पीसीबी में 50% मार्क्स होना चाहिए, नीट का 50% का स्कोर होना ज़रूरी है, तभी जाकर इन कोर्सेज में हम अपना करियर एडमिशन ले सकते हैं। फिफ्थ नंबर का कोर्स है बीयूएमएस, बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। बीयूएमएस के लिए भी साइंस स्ट्रीम से एचएससी पास होना ज़रूरी है, इसी तरह से पीसीबी में 50% मार्क्स होना चाहिए, नीट का 50% में एलिजिबल स्कोर होना ज़रूरी है। और इसी के साथ बीयूएमएस के लिए एसएससी एग्ज़ाम में उर्दू, अरबिक या पर्शियन के अंदर 100 मार्क्स का पेपर पास होना ज़रूरी है। बीयूएमएस कोर्स पूरे 4.5 ईयर्स का होता है, इसी तरह से 1 ईयर की इंटर्नशिप कम्प्लीट करना होती है। नीट के ऊपर बीपीटीएच, बीओटीएच, बीएएसएलपी ये कोर्सेज में भी दाखिला मिलता है। बीपीटीएच का अर्थ होता है बैचलर इन फिजियोथेरेपी, बीओटीएच बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीएएसएलपी बैचलर इन आर्डियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। इन सभी कोर्सेज में नीट का एलिजिबल स्कोर होना चाहिए, इसी तरह से ट्वेल्थ साइंस पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए। इन सभी कोर्सेज का ड्यूरेशन 4 ईयर्स या 4.5 ईयर्स होता है, इसी तरह से 1 ईयर की इंटर्नशिप कंप्लीट करना होती है। नेक्स्ट जो कोर्स है जो नीट के स्कोर पर जिसमें एडमिशन होता है वो है बीएससी एग्रीकल्चर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं कि नीट के बेस पर कैसे एडमिशन होगा। बीएससी एग्री का एडमिशन नीट के स्कोर पर भी होता है, इसी तरह से जेईई और एमएसटीसीईटी के बेस पर भी होता है। बीएससी एग्रीकल्चर की अलग अलग ब्रांचेस और अलग अलग कोर्सेज हैं। सबसे पहले बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, दूसरा है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीएफएससी फिशरी साइंस के अंदर है, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री के अंदर है, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ये सभी बीएससी एग्रीकल्चर की ब्रांचेस हैं, इनका एडमिशन नीट के बेस होता है। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ट्वेल्थ एग्ज़ाम साइंस स्ट्रीम से पास होना ज़रूरी है, इसी तरह से जो सब्जेक्ट है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स का होना ज़रूरी है। मैथमेटिक्स अगर नहीं है तो भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन हमको बाद में एक पेपर मैथमेटिक्स का देना होता है। बीएससी एग्रीकल्चर का ड्यूरेशन 4 ईयर का होता है, इसी तरह से इसको 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। साइंस स्ट्रीम से पीसीबी विथ 50 मार्क्स और नीट के एलिजिबल स्कोर के साथ एक कोर्स है बीवीएससी, बैचलर इन वेटरनरी साइंस, जिसे हम जानवरों का डॉक्टर कहते हैं। ये कोर्स भी नीट के एलिजिबल स्कोर पर बहुत ही हाई रैंक के ऊपर इसका एडमिशन होता है, बहुत ही वैल्यूबल कोर्स है। इस तरह ये कोर्स हमने आज देखे हैं। स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स का सिलेक्शन करें और उस फील्ड में अपनी दिलचस्पी और स्किल के साथ ज़रूर जाए। अगर
इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।